बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्ताद मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों इस तरह है कि आज वीडियो बना रहा हूँ कि आगे सीज़न शुरू होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपके लिए जो भी चीज़ें होंगी वो बताता रहूँगा। तो कबूतर निकालने का टाइम आ गया है, कबूतर किस तरह निकालने हैं, किस तरह उनको अपने अड्डे पर गिजाना है और लगा के उड़ाना है। तो तरीकाकार ये है कि पिछले साल भी मैंने इसी तरह ही वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने बताया था। इस दफ़ा फिर ज़रा न्यू कर देता हूँ कि आपने कबूतरों को निकालने के लिए आप इस तरह करें, पहली दफ़ा जब निकालना है 4-5 दिन पहले आप शुरू कर दिया करें ये चीज़ें दाने के साथ। दाने के साथ आपने 15-20 काली मिर्चें ले लें, उनको थोड़ा थोड़ा तोड़ लें, तोड़ के पानी में डाल दें और इतनी सी सुंड जितनी के खजूर की होती है गुठली, इतनी सुंड डाल दें और पंसारी से सारा कुछ मिल जाएगा। तोड़ के पानी 2 किलो पानी में डाल दें, तकरीबन 2-3 घंटे पानी में वो पड़ी रहे, हल्का सा एक उबाला लगवा लें, ज़्यादा नहीं लगवाना, एक उबाला। जब थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए, जब ज़रा पानी गर्म हो जाता है ना तो फिर जोश निकल जाता है चीज़ का, तो वो निकाल लें। निकाल के तो जब उसको पुन लें, छान लें, जब कबूतर आप दाना डालते हैं कबूतरों को उस वक्त ये पानी डालें, ये पानी पिएंगे कबूतर, उनके जो कुंदों में पानी शानी होगा वो जो भीगे होंगे अंदर से पानी पानी है वो थोड़ा थोड़ा खुशक होना शुरू हो जाएगा। 4 दिन आप इसी तरह करें, एक दिन नागा दे दें, एक दिन इसी तरह करें, फिर उसके बाद अपने कबूतर निकालें। आपका कबूतर जब उड़ेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पहले दिन में उड़ जाएगा तो वो कुंदा निशाल करेगा, कुंदा चला के बैठेगा, अपने घर बैठेगा इंशाल्लाह। तंबल वाला कबूतर जो साइड पे गिर जाता वो नहीं गिरेगा। कबूतर बचाने के लिए ये आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ कि हर हफ्ते वाले हफ्ते की शाम को, हर हफ्ते की शाम को मैं स्नैक वीडियो लाइव पे आया करूँगा स्नैक पे। तो स्नैक पे आप 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा मैं लाइव रहा करूँगा, उसमें आप डायरेक्ट आके मुझसे, मैं नीचे उसके होता है ऑप्शन होता है कि कॉल आप मुझसे कर सकते हैं, आप कॉल मिलाएंगे, मैं आपकी कॉल रिसीव कर लिया करूँगा। आप उसमें जो भी आपके कबूतर के अंदर कोई फॉल्ट है वो आपने जल्दी जल्दी बता दिया करना है कि ये फॉल्ट है, मैं आपको वो बता दिया करूँगा, इसको ऐसे कर लें। ताज़ी बात होती रहा करेगी रोज़ाना आपके साथ, हर हफ्ते के हफ्ते बात रहा करेगी। अगर हफ्ते में 2 दफ़ा भी मुझे आना पड़ा आप लोगों के लिए तो मैं 2 दिन भी लाइव आ जाया करूँगा। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो भी मामला होगा आप रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन डिस्कस कर लिया करेंगे, कबूतर मेरे की ये पोजीशन है। आप व्हाट्सएप करते हैं ना तो व्हाट्सएप किसी वक्त मैं सुनता हूँ, किसी वक्त नहीं सुनता, तो ये आप सब दोस्तों के लिए सहूलत होगी। इसका मैं, इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पे मैं लिंक भी दे दूँगा उसका स्नैक का, आप उसको करके फॉलो कर लें, जब भी मैं लाइव आया करूँगा आपको पता चल जाया करेगा कि लाइव आ रहे हैं, तो ये आपके फ़ायदे में चीज़ होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त मुझे बुरा समझते हैं, बुरा भला समझते हैं, काफ़ी से लोग सब अच्छे नहीं होते जी, सब बुरे भी नहीं होते, तो शायद हम भी बुरे हों, तो ये चीज़ है कि हम बुरे हैं तो फिर आप इस तरह करें कि जो भी चीज़ आपके पास हो आप मेरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना करें। वो मैं भी आपके लिए ये बद्दुआ करता हूँ कि आप जो भी चीज़ मेरी इस्तेमाल करेंगे आपको, आपके कबूतर को नुकसान देगी, आप ना करें, आपकी मेहरबानी होगी आप मेरी ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। पहले करते रहे हैं तो कर ली हैं, अब उनको छोड़ दें, आपको फ़ायदा नहीं देंगी। आप 7 कबूतर डाएंगे आपके 2-2 कबूतर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बददुआ कर रहा हूँ, क्योंकि आपके दिल में नहीं है मेरे लिए तो मेरे भी ख़त्म है आज से। पहले मैं करता था कि कोई बात नहीं है, जो मेरे मुखालफ हैं वो भी इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब मैं दिल से बददुआ कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे साथ मुखालफत भी करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, उनके लिए जी वो चीज़ें हराम हैं, वो मेरी चीज़ बरतेंगे उनको नुकसान होगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं वीडियो नेक्स्ट जो है जल्दी से जल्दी अपलोड करता जाऊंगा आप लोगों के फ़ायदे के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और सुनैक वाले मेरे चैनल को उस्ताद मलिक इकबाल के नाम के ही होगा, उसको भी आप फॉलो कर लें। फॉलो करके आप हफ्ते को 8 बजे शाम को मैं लाइव आ जाया करूँगा। दूसरे बंदे की कॉल नहीं लूँगा जो कबूतरबाज नहीं होगा, आपकी कॉलें होंगी कबूतरबाजों की, तो आप सामने बैठ के मेरे बात कर लिया करेंगे कबूतर में क्या मसला है। तो ये चलता रहेगा सिस्टम, ज़िंदगी रही, खैर खरीत रही, तो अल्लाह के फजल से। तो ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।